Hey guys, welcome back to my new vlog. आज है दोस्तों फ्राइडे एंड आई एम रियली वेरी सॉरी मैं दिन से व्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ बिकॉज काम है तो टाइम नहीं लग पा रहा है. प्लस मैं आप लोगों को बोर भी नहीं करना चाहता हर बारी सेम चीज़ दिखा के. आज शाम को हम लोग कहीं के लिए निकलने वाले हैं और वो क्या है वो मैं आपको शाम को ही बताऊँगा. हम लोग कहाँ के लिए जा रहे हैं मैं आपको शाम को ही बताऊँगा. तब तक के लिए आपको सानवी से मिलाता हूँ. हाय सानू, से हेलो. हेलो एवरीवन. सानू आजकल बहुत एक्टिव हो गई है. आपको बता दूँ मेरा जिम का रूटीन बराबर चल रहा है. आपके अपडेट के लिए बता देता हूँ, जिम में रोज़ जा रहा हूँ. डाइट मैं फुल ऑन मेंटेन कर रहा हूँ. अभी जाता हूँ, अभी मैं फ्रेश हो चुका हूँ जिम से आके. पहले पूजा कर लेता हूँ फिर नाश्ता करूँगा. तो गाइस आज काजल मेरे लिए बना रही है, मेरे लिए एज इन सबके लिए बना रही है नमकीन पराठे, चाय और ओह बहुत गर्म थे आलू की सब्ज़ी. चाय भी गिर गई तो हल्का मचा हुआ किचन में. मैं निकल जाता हूँ. तो गाइस मैं अभी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ और मेरे साथ देखो कौन आ रहा है. सानवी बाहर आ गई. सानू बाहर आ गई. सॉरी ने पार्टी देख के मेरे को जाना ऑफिस यार. साना मेरे को जाने दे. बाय. लेके जाना काजल इसको. बाय पापा, दिन में मिलता हूँ आपसे. एक ने तो ऊपर नीचे लेके जाना. नहीं नहीं मेरे को लेट हो रहा है. काजल ने कहा सानवी को बस लिफ्ट में ऊपर नीचे कर दो इसका मन बहल जाएगा. सानवी देखो कितनी खुश हो रखी है. चलो वापस ऊपर. नॉट गोइंग आउट. यू नॉट गोइंग आउट. ये वापस घर पे. सानवी बोल रही है येड़ा बना दिया. तो गाइस मैं अभी घर पे आया हूँ लंच के लिए और सानवी देखो किसके साथ खेल रही है. किसके साथ खेल रही है तू आज? किसके साथ खेल रही है? आई बहुत ज़्यादा चालाक हो गई है और अभी ना उसको सब कुछ समझ में आता है. जो हम करते हैं ना वो उसको कॉपी करती है. मतलब तुरंत कॉपी नहीं करेगी, अचानक से वो करेगी और हमको लगेगा कि हाँ ये तो मैं करता था. बहुत चालाक हो गई दोस्तों ये. वैसे काजल और सानवी जा रहे हैं मायके, यानी कि अपने नानी के घर पे. सानवी अपने नानी के घर पे और काजल अपनी मम्मी के घर पे. रस सास जी का ही बर्थडे है तो दोनों वहीं पे सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे सास जी का. अब इसका नखरे देखो. सानू क्या कर रहे हो? अब इसको आ गया. पहले ना वो शेप्स को डाल नहीं पाती थी और अब शेप्स को ना निकालती है और वापस से उसको भरेगी और डालेगी. अभी देखना अभी खुद ही क्लैप करेगी. उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है. और अगर नहीं जाता ना तो चिढ़ जाती है. नहीं दूसरा वाला बाबू, दूसरा वाला. हाँ ये वेरी गुड. डालो डालो इसमें डालो. हाँ डालो. ये देखो चिढ़ गई. उसने बोला छोड़ो यार, तेल लगाने गया. अरे बाप रे, गुस्सा देखो उसका. बहुत सटल वे में गुस्सा करती है. फेस पे दिखता नहीं गुस्सा और चीज़ें ऐसा फेंकती है गुस्से में. काजल सानवी को खाना खिला रही है और थोड़ी देर में अपने मायके चले जाएगी. मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस. मेरा खाना खा के हो चुका है और मिलता हूँ आपसे शाम को. फाइनली मैं आ चुका हूँ घर पे और अभी सब प्रिपरेशन हो रही है. आपको जस्ट दिखा देता हूँ. यहाँ पर मैंने सारे स्नैक्स उठा लिए हैं. सो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग जा रहे हैं. बेसिकली हम लोग बहुत टाइम से मेरे मन में इच्छा थी कि हम लोग किसी ज्योतिर्लिंग में जाएं और फाइनली वो टाइम आ चुका है. भोलेनाथ का शायद बुलावा आ गया है और हमारा प्लान बन चुका है. तो आज रात के लिए मतलब थोड़ी देर में हम लोग उज्जैन के लिए रवाना कर देंगे और उसी के लिए सारी तैयारी चालू है. मम्मी भी पैकिंग वैकिंग कर रही है. मैं भी अपने कपड़े निकाल देता हूँ फिर सब एक ही बैग में चला जाएगा. हमने गाड़ी बुक की, हम बाय रोड जा रहे हैं. कल सुबह हम लोग पहुँचेंगे उज्जैन और वहाँ से हम क्या करेंगे वो आपको उधर जाके ही बताऊँगा. तो पहले यहाँ का सारा प्रिपरेशन देख लेते हैं. मम्मी आपको दिखा देता हूँ. मैंने रेडबुल ले लिया बिकॉज हम लोग रात भर ड्राइव करने वाले हैं तो जगह रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके लिए मैं रेडबुल ले लिया है. ये सारे स्नैक्स हैं जो अगर रात को हम लोग जगेंगे तो ऑब्वियसली भूख तो लगती है. तो ये मैंने नॉट फ्राइड बेक्ड वाले कुछ नाचो चिप्स ले कर रखे हुए और मम्मी ने
और सेफर साइड के लिए घर पे चिवड़ा बनाया हुआ है पोहे का, फ्लैट राइस, तो ये मम्मी ने बनाया हुआ है। और अभी पैकिंग भी चल रही है, बस थोड़ी देर में पैकिंग नहीं कर रही मैं कपड़े घड़ी कर रही हूँ। हाँ मम्मी कपड़े घड़ी कर रही है, थोड़ी देर में पैकिंग स्टार्ट कर देंगे और प्रॉब्ली एक डेढ़ घंटे में हम लोग निकल जाएंगे। तो गाइस फाइनली हमारी कार आ चुकी है और हमने बुक किया है XUV 700। टाटा, ये फुल्ली ऑटोमेटिक कार है विथ सनरूफ, और साथ ही साथ इसके साथ जो पीछे सीट है ना, ये पूरी पीछे जा सकती है, आप देख सकते हो पूरी पीछे जा सकती है। मैं सोच रहा था काजला सानवी भी आ जाते तो मज़ा आ जाता, बिकॉज सोने के लिए अच्छी खासी जगह थी पीछे, बट काजल ने कहा कि नहीं सानवी जा ही नहीं पाएगी, वो एक जगह पे टिक ही नहीं सकती। तो मैंने कहा ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूँ। तो बस अभी हम लोग यही फिगर आउट कर रहे थे कि कैसा इसका सब होगा, बिकॉज ऑटोमेटिक गाड़ी है तो किसी को पता नहीं है कैसे ड्राइव होती है क्या होती है। तो ऑल सेट, गाड़ी आ चुकी है, अब बारी है हमारे कपड़े वपड़े तैयार करने की। एक बारी वो सेट हो गया तो हम निकल जाएंगे, और सब सामान वामान तो ले लिया है। पीछे जो बैठेगा वो बहुत कंफर्टेबली बैठने वाला, बिकॉज सीरियसली यार सोने के लिए जगह है, पूरे सीट पीछे हो सकती है। मैं चाहता था सानवी काजल भी आते तो बहुत मज़ा आता, बट क्या करें, ठीक है कोई बात नहीं। गाइस अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और गाड़ी में बैठ चुके हैं। गाड़ी में आप देख सकते हैं कि वीना और मम्मी भी बैठ चुकी हैं। तो निकलने से पहले एक बार साथ में बोलेंगे नमः पार्वती पते, बोलो हर 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 महादेव, भगवान करे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी। मच्छर भी जी, मच्छर बहुत घुस गए, तो अभी हम निकलते हैं और थोड़ा विंडो खोल देंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं ट्रैफिक जोरों शोरों से लगी हुई है। अभी रात के बज रहे हैं 10:30, 11 बज रहे हैं, तो सारे ट्रक जो है अभी रात को निकल रहे, जिसकी वजह से ना पूरी लाइन से गाड़ियां जो है खड़ी हुई हैं। तो आई होप हम लोग जल्दी से ट्रैफिक को पीछे छोड़ के अपने रास्ते आगे बढ़ जाए। तो गाइज आप देख सकते हैं हम लोग पिछले एक घंटे से भिवंडी के रास्ते में हैं, और क्या ज़बरदस्त ट्रैफिक लगी हुई है यार, हिलने के लिए भी मौका नहीं है, चींटी भी नहीं गुजर सकती इस रास्ते से। मैप्स में बता रहा है कि इस स्पीड से हम सुबह 10:25 को पहुंचेंगे। आधा घंटा बढ़ गया ये ट्रकों की वजह से। मेरे ख्याल से एक बार ये ट्रक साइड हट जाएंगे ना, तो थोड़ा स्पीड पकड़ लेगी गाड़ी, तो एडजस्ट हो जाएगा टाइम। लेट्स सी। तो गाइस अभी वीना को आ गई है वॉशरूम, और हमें बीच रास्ते पे रुका दिया इसने, जा फटाफट जाके आ जा। अरे तो हम लोग हैं ना, तू जा। तो गाइस अभी रात के सुबह के 2:15 हो रहे हैं, और मम्मी को वॉशरूम जाना है फ्रेश होने के लिए, और अभी हम लोग किसी हाईवे के एक होटल में बगल में रुके हुए हैं, और यहाँ से हम लोग फ्रेशन अप होके थोड़ा चाय वाय पी के फिर वापस निकल जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे। मम्मी फ्रेश हो जाएगी थोड़ी देर, पूरा अंधेरा हो रखा है यार 2 बजे, ऐसा दिखता है नज़ारा। क्या हो गया मामा, कैसा तेरा एक्सपीरियंस? चलो जाओ वॉशरूम जाके आओ फटफट, फिर हम लोग निकल है। तो गाइज अभी सुबह के बज रहे हैं 5, और अभी और 260 किलोमीटर्स हमें ड्राइव करना है, तो काफ़ी टायर्ड है बिकॉज सुबह 10:30 तक पहुँचने वाले हैं हम लोग। लेट्स सी जर्नी कैसे जाती है, अभी तो बहुत थके हुए हैं और नींद आ रही है, पर सो भी नहीं सकते, तो क्योंकि अगर मैं सो गया तो ड्राइवर को भी नींद आ सकती है, इसीलिए तो हल्की हल्की झपकी आ रही है, बट कंट्रोल कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल देख सकते हैं 5 बज रहा है, और गाड़ियों का जो वॉल्यूम है वो बढ़ चुका है, गाड़ी वहाँ पे पार्क्ड है। मैं थोड़ा फ्रेश होने के लिए आया था। दोनों माँ बेटी कैसे आराम से लेटे हुए हैं। ओ भाई चलो आ गया। सो जाओ। तो यहाँ से गाइस हमने महाराष्ट्र का बॉर्डर क्रॉस कर दिया है, एंड अभी हम लोग MP एंटर कर चुके हैं,
और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हमें 235 किलोमीटर और राइड करना है और फिर हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे। और ये नज़ारा देखो मेरी मम्मी का, और मम्मी मैडम को देखो, सनराइज होने ही वाला है, आई मीन हो चुका है ऑलमोस्ट। और जैसे कि आपसे कहा 230 किलोमीटर और बाकी है, हम लोग 10:30 के आसपास पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और उसके बाद हम जाएंगे कल महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो गाइस अभी हम लोग उतरे हैं पेट्रोल भराने और थोड़ा सा फ्रेश होने। यार सुबह का फ्रेश होने का टाइम है और एक बंदा, एक ही टॉयलेट है और एक बंदा अंदर बैठ के रील देख रहा है। क्या बोलूँ यार, सुबह का टाइम पे ऐसा नहीं करते मस्ती। कोई नज़ारा दिखा देता हूँ तब तक, कितना प्यारा नज़ारा। और यहाँ पे ना काफ़ी फ्रेश एयर लग रहा है मुझे, मतलब अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पे पोल्यूशन काफ़ी कम लग रहा है, मुंबई में ऐसा फील नहीं होता बेसिकली। तो गाइस फाइनली हमारी प्रिंसेस उठ चुकी है और ये देखिए सूरज की पहली किरण। तो 5 बजे हो चुकी थी, ये अर्ली मॉर्निंग का सूरज है, एकदम हार्श नहीं है, अच्छा लग रहा है देख के। मज़ा आ गया यार ये व्यू देख के, रात को तो ये व्यू दिख ही नहीं रहा था, तभी तो मैं सोई, इसलिए अभी उठी है। रिवर नर्मदा गाइस, अभी हमें अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए और 1 घंटा है और अराउंड 48 किलोमीटर हमें और कवर करने हैं। मैं अभी पीछे बैठा हूँ, वीना आगे बैठी है, मैं मम्मी के साथ बैठा हुआ और हमारी हालत इस वक्त काफ़ी टाइट है बिकॉज गाड़ी में कंटिन्यूसली बैठे रहना, हम लोग बीच में उठ रहे हैं बट फिर भी थकान तो हो ही जाती है। हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, मैं सोच रहा था कि सानवी और काजल को लेके आने के लिए, तो पहले मैंने सोचा कि नहीं वो लोग मिस करेंगे, बट अब मुझे लग रहा है कि नहीं, हाँ अच्छा हुआ मिस करेंगे बिकॉज सानवी परेशान हो जाती। 12 घंटे लिटरली गाइस, 12 घंटे 12 घंटे से हम लोग गाड़ी के अंदर हैं। वो तो मैंने बोला, तू तो लगा था चल चल, मैंने बोला मेरा डिसीजन था कि भाई नहीं लेके जाना है, क्योंकि बच्चा नहीं, वो चलने वाली हो गई है ना, वो एक ही जगह में नहीं बैठ सकती है, तो इसीलिए चलो अच्छा हो गया नहीं लेके आए हम लोग सानवी को। अभी जिस रोड से हम लोग जा रहे हैं ना दोस्तों, वो काफ़ी पतली रोड है जिसके वजह से हम लोग को काफ़ी डिफिकल्टी हो रही है गाड़ी लेके जाने में, बिकॉज भैया फास भी नहीं घुमा पा रहे, कैसे चले, पतली रोड है। तो ये है वो रोड जहाँ से हमें जाना है और रोड काफ़ी पतली है जहाँ से हम लोग आए थे, वो एक्सप्रेस हाईवे था, नेशनल हाईवे था, जो काफ़ी बड़े थे, काफ़ी चौड़े थे, ईजिली हम लोग निकाल पा रहे थे, बड़े पतले रोड पे जाने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। और लोकल्स के साथ सीरियसली, मैं लोकल्स भी कैसे कि बाइक्स होते हैं तो बीच रास्ते पे ऐसे ही स्लो चलाते हैं, तो कुछ कर नहीं सकते, वो उनका स्टाइल ही चलाने का, बट हम लोग जितना केयरफुल हो सके हम लोग उतना केयरफुली चला रहे हैं। व्यू काफ़ी नज़दीक, व्यू काफ़ी ब्यूटीफुल है, आपको व्यू दिखा देता हूँ। देखिए ये कुछ खेतों के व्यू है, जो सारी खेतें तो अभी, खेत तो अभी साफ़ हो रखे हैं। तो गाइस ओंकारेश्वर से हम लोग अभी 20 मिनट्स ही दूर है और नर्मदा नदी हमारे और भी ज़्यादा क्लोज आ चुकी है। तो गाइस मंदिर में आने से पहले हम लोग थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए, मैंने हम लोग ने आधा घंटे के लिए एक रूम लिया है, ये है वो रूम। तो ये रूम बेसिकली जब हम लोग ने पूछा प्राइस तो मैया ने 700 रुपये बोल दिए तुरंत ही, आधे घंटे के लिए, पता नहीं मतलब ऐसे ही फेंक देते, तो कैसे तो करके मैंने बोला चलो 200-300 में कर दो, 300 रुपये में उन्होंने डन करा है, 300 रुपये में आपको ये रूम मिलेगा फ्रेशन अप होने के लिए। आई थिंक इससे भी ज़्यादा नेगोशिएट हो सकता था बिकॉज आधे घंटे के लिए चाहिए था हम लोग को,
बट कोई नहीं, उन लोगों के लिए भी ये वंस इन अ ब्लू मून धंधा है, तो आई फेल्ट कि चलो दे देते हैं। तो हमने ये रूम लिया है, मम्मी भी फ्रेश हो रही है, वीना भी आ चुकी है, और फटाफट फ्रेश अप होके जाते हैं। जो मैं आ चुका हूँ फ्रेश और मम्मी भी हो चुकी है फ्रेश, वीना नहीं हो पा रही है, उसको पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है उसको। क्या हो रहा है दया? मांग रही है मुझसे सर दर्द की गोली, जबकि सबसे ज़्यादा बीना ही सोई है, पता है पूरे जर्नी में बिन्नी ही सोई है सबसे ज़्यादा, उसी को सर दर्द हो रहा है। हम लोग तो कैसे करके थोड़ा थोड़ा नींद, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं सो रहा है, पता नहीं इसको क्या हो जाता है। तो मैं और मम्मी रेडी हो चुके, बीना का इंतज़ार है। इस वक्त धूप इतनी चटाकेदार हो रही है, क्या बताओ। हम लोग निकल रहे अभी मंदिर की ओर। तो गाइस अभी हम लोग ओमकारेश्वर टेम्पल जा ही रहे हैं, रास्ते में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे डैम के इधर से चलो इधर से चलो, पर आपको सीधा सीधा जाना है बिना इनके मुंह लगे, क्योंकि ये लोग ठगने का काम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, खास करके तीर्थ स्थल पर। सो मेक श्योर कि आप जो भी मैप दिखा रहा है वहाँ पर आप कंटिन्यूसली चलते रहिए। अभी हमें पता चला है कि हमें स्ट्रेट जाना है, हम स्ट्रेट जा रहे हैं। लोग फाइनली पहुंच चुके हैं, अभी हम लोग यहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे हैं, ये है पार्किंग एरिया। सो बेसिकली आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पार्क यहाँ कर लो, पार्क वहाँ कर लो, किसी की बात मत सुनो, हट जा, किसी की बात मत सुनो। सिंपल जो मैप में जो आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, बोर्ड्स होते हैं बेसिकली, बोर्ड्स में लिखा हुआ पार्किंग एरिया कहाँ पे, मंदिर कहाँ पे, उसको फॉलो करो, सिंपल आ जाओ, बिकॉज यहाँ पे बहुत लूटने का काम करते हैं। मुझे गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बोला है कि पार्किंग से 200 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस है ज्योतिर्लिंग, तो मैं वही फॉलो करने वाला हूँ। गाइस मेरी मम्मी को रिक्शा वाले भैया ने मना लिया है, 100 रुपये में मंदिर पहुँचाएंगे। मुझे बोला गया था कि 200 मीटर ही वॉकिंग डिस्टेंस है, भैया बोल रहे हैं कितना किलोमीटर दूर है, अच्छा चलो देखते हैं। 100 रुपये बोल रहे हैं हम सबका मिला के। तो गाइस ये है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का एंट्रेंस, यहाँ से कह रहे हैं कि 20-25 मिनट चलना है। क्या मम्मी तू क्यों नहीं लगाया, और जबरदस्ती कर रहे हैं, लगाओ लगाओ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लगाना चाहिए। ये देखो 100 मीटर बता रहे हैं यहाँ से दुर्लभ दर्शन केंद्र, तो यहाँ से हम लोग को स्ट्रेट स्ट्रेट चलना है, यहाँ से 100 मीटर हम लोग को वॉकिंग करना है और फिर ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। मेरी मम्मी यहाँ पे शॉपिंग करने पे लग गई, मम्मा पहले दर्शन कर लेते फिर शॉपिंग करते, चलो फटफट। ये आ गए हम लोग मुख्य प्रवेश द्वार, मेन एंट्रेंस। तो बेसिकली हम लोग को ये ब्रिज क्रॉस करना है और ये बीच में नदी पड़ती है, मेरे ख्याल से ये नर्मदा नदी ही है जो कनेक्ट कर रही है। यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हो। सॉरी और बड़ा पानी बड़ा साफ लग रहा है यार। तो जैसे आप यहाँ पे आते हो आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो आप ऑटो से आओ, या तो आप पैदल जाओ, या तो आप बोट से क्रॉस करो, पर आप कोई भी रास्ता लो, सब में आपको पैसे देने पड़ते। अगर आप वॉकिंग आओगे तो वॉकिंग में आपको कुछ पैसे नहीं लगते, एज सिंपल एज दैट। और बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा है एक्चुअली, अगर आप बोटिंग एंजॉय करना चाहते हो तो आप बोटिंग करके भी आ सकते हो। बेसिकली यहाँ पे एक डैम है नर्मदा रिवर पे, मुझे खास करके स्टोन्स के जो बने हुए हैं ना ये सीढ़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो
तो मेरे ख्याल से वही है ओंकारेश्वर महादेव का मंदिर। ऑलमोस्ट हम लोग एंट्रेंस पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ से रास्ता जाता है मंदिर की तरफ। नज़ारा एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ गाइस, अभी हम लोग लाइन पे लगे हुए, आप देख सकते हैं। जो गेट है वो 1:10 को खुलने वाली है और 1 घंटे में हमारा दर्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सब शिवलिंग पे पानी चढ़ाने के लिए और सारा जो भी हमारा जो भी प्रसाद जो भी चढ़ने वाला है सब हमने ले लिया, वेट कर रहे हैं बस गेट के ऊपर होने का। दर्शन के लिए बहुत सारे लाइन हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे और यहाँ आगे से भी मल्टीपल लाइन्स जा रही है। हमें एक्चुअली पता ही नहीं कि दर्शन कैसे होने वाला है। ये है नंदी महाराज जी और यहाँ पे सामने होंगे भोले बाबा। दर्शन तो हमारा हो चुका है, अभी हम लोग आए हैं रुद्र अभिषेक करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से हम लोग भोलेनाथ का रुद्र अभिषेक करेंगे। तो गाइस फाइनली हमारा पूजा हो चुका है रुद्र अभिषेक और अभी हमारा प्लान कुछ और है। आपको प्लान बता देता हूँ क्या है। हमें बेसिकली जाना है नर्मदा नदी के दर्शन करने जो काफ़ी नीचे है। तो गाइस नर्मदा जाने का मौका तो मिलेगा नहीं, यहीं से देख लो कैसा दिख रहा है नदी। हम लोग आए हैं एक रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए, काफ़ी थके हुए हैं। नर्मदा के दर्शन तो नहीं हो पाए क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है, तो कल ट्राई करेंगे हम लोग। तो गाइस मेरा लंच आ चुका है। लंच में है दाल तड़का, जीरा राइस, कढ़ाई पनीर, सेव की भाजी एंड रोटी। तो सबसे पहले मैं सेव की भाजी खा रहा हूँ। तो गाइज़ अभी मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ और मीना और मम्मी का वेट कर रहा हूँ बिकॉज़ उनको लग रहा है, उनको मैंने कहा था कि मैं कार लेके आऊँगा, बट पार्किंग और मंदिर का एक्चुअली एक शॉर्टकट है तो लिटरली एक 5 मिनट में। मैंने मम्मी को कहा भी था कि रिक्शा एक ऑटो की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मम्मी ने ऑटो लिया। बट हमने अभी टेस्ट किया और देखा 5 मिनट में हम लोग आ गए थे, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। तो मैंने मम्मी और मीना को यहीं पर बुलाया। फ़िलहाल मैं गाड़ी में हूँ, गाड़ी पूरी तची हुई है धूप की वजह से, इतनी तची हुई है ना कि मुझे एसी फुल स्विंग में, रेयर एसी, फ्रंट एसी सारे ओपन करके कूल कर रहा हूँ पूरे गाड़ी को बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी है यार एमपी में, बहुत ज़्यादा। ट्रस्ट इस फाइनली हम लोग उज्जैन पहुँच चुके हैं और अभी बज रहे हैं रात के 9। हम लोग आए हैं होटल विक्रमादित्य में, यहाँ पर हम लोग आज रात स्टे करेंगे। सो बेसिकली 2 बजे हम लोग को सुबह उठ के जाना है भस्म आरती के बुकिंग के लिए। तो मैं तो चला जाऊंगा सुबह बुकिंग का करवाने के लिए। तो हार्डली 5 घंटे सोने मिलेगा। तो गाइस ये है हमारा रूम, आपको दिखा देता हूँ। 5,000 में देखो ये रूम मिला है हमें, ये रूम मिला है हमें। बेसिकली एक ही बेड मिला है यहाँ पे और दूसरा बेड पता नहीं कहाँ पे एडजस्ट होने वाला है बिकॉज यहाँ पे तो 2 ही जन सो सकते हैं, तीसरा मेरा तो वहाँ पे हाइट पहुँचेगा नहीं, मैं थोड़ा मेरे को लग रहा है शॉर्ट है वो वाला छोटा वाला सोफ़ा। और एसी भी काम ठीक ठाक ही कर रहा है, पता नहीं है मतलब आज काम चलाने के लिए निकालना है, रात निकालना है, कल दर्शन करके वापस से मुंबई चले जाएंगे। हम रूम में सो रही है, मैं और वीना आया नीचे कुछ खाने के लिए यहाँ हाईवे 27 रेस्टोरेंट में। यहाँ से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है और ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है। तो हम लोग मम्मी के लिए कुछ पार्सल कर लेंगे, पहले देख लेते क्या क्या अवेलेबल है। तो गाइस अभी खाने के लिए आधा घंटा लेट होने वाला है। तो पहले आया था मंचूरियन ड्राई जो हम चपट कर चुके हैं, मंचूरियन ग्रेवी 2 आ चुके हैं, साथ में फ्राइड राइस नहीं आया। मुझे लग रहा है रेस्टोरेंट वाले उल्टा हम लोग को कोर्स दे रहे हैं, मेन कोर्स पहला आ रहा है फिर स्टार्टर आएगा। तो गाइस फाइनली हमारा डिनर करके हो चुका है और अभी हम अपने कमरे में आ चुके हैं और कल सुबह हमें जल्दी उठना है भस्म आरती के स्लॉट की बुकिंग के लिए। तो देखते हैं कितने जल्दी उठ सकते हैं। वैसे हमें उठना है 2 बजे और हम लोग ट्राई कर रहे हैं एक्सटर्नली कुछ जुगाड़ बैठ जाए। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सी या।